है नज़ारा ज़रा देखिए, कुछ इस तरीके से जो है अभी का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हमारे कैमरे में गुजारिश है कि एक बार नज़ारा दिखाए, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो है मुजफ्फरनगर में बेजोड़ बारिश हो रही है। लेकिन इस बेजोड़ बारिश की वजह भी जो है ये है कि क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन इस बरसात के मौसम के बावजूद भी जो है किसान लगातार अभी भी डटे हुए हैं। जो हौसला है किसानों का अभी भी बुलंद है, और इस वक्त जो है हम लगातार पल पल की खबर जो है हम लोग मुजफ्फरनगर से लगातार देते रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भाई जो हैं बारिश होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं, मौजूद हैं। थोड़ा सा टेंट लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि टेंट की वजह से थोड़ा सा राहत है, तो इसलिए यहाँ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या चल रहा है मन में। विजुअल जो है बहुत कुछ दर्शा देगा आप लोगों को, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं इस आंदोलन को और इस महापंचायत में क्या होने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डीएसओ न्यूज़ में। इस स्थिति में भी जो है आप महापंचायत में आए हैं, इतनी जोर की बारिश है, लोग बाग घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं, और आप यहाँ पर आए, आप इसको कैसे देखते हैं? इसे हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। ये मैसेज देंगे हम सरकार को कि सरकार जो हमारे साथ अन्याय कर रही है उसके लिए ये मैसेज है। उन्हें ये बताना चाहा हम कि हम भी कुछ हैं। हम 9 महीने से वहाँ लौट रहे, आज तक सुनानी बुलावें और भकावें और चले जाएं। ये मैसेज है। अच्छा, ऐसे मतलब पंचायत तरीके कैसे तो बहुत जगह से देखने को मिला आप लोगों का, पिछले 9 महीने से आंदोलन चल रहा है तो बार बार देखने को मिला, लेकिन ये महापंचायत तो इसमें नया क्या है? इसमें नया सब आपको दिख रहा कि इसमें नया है, इसमें जो है जाने की तैयारी में, और इतनी पब्लिक आपको दिख रही, उन्हें विदा करने की तैयारी में, उनकी विदाई समारोह है। भारतीय जनता पार्टी का विदाई समारोह है, विदाई समारोह स्टार्ट हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी का विदाई समारोह है, यू इसे इसलिए अखबार में छापना, विदाई समारोह है इनका। विदाई समारोह है। तो यहाँ से कुछ ऐसा ऐलान होने वाला है इस महापंचायत से कि जिसे मतलब विदाई होगा? हाँ, विदाई होगा, ऐलान होने वाला। कहीं पर हो लिया, दिलों में तो ऐलान हो चुका, वैसे रह रहा। इस आप ऐलान नहीं मानते, उमेश मलिक और संजीव बालियान की बेइज्जती होनी, इसे ऐलान नहीं मानने तुम, यू ही ऐलान है। ऐसे बुजुर्ग आदमी घर से यहाँ आ गए। हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ नाराजगी दिखाने के लिए। ये बुजुर्ग हमारे, और आप देख रहे हैं इनकी कंडीशन, ये भी जब घर छोड़ के यहाँ सरकार को अपनी नाराजगी जताने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो ये विदया समारोह नहीं है तो फिर और क्या है? आप बताइए, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? ये घर नहीं बैठ सकते, ये चाहते हैं कि मोदी जी आज इन्हें देखे और जनता इन्हें देखे यहाँ पर कि ये क्यों आए हैं यहाँ, ताकि सरकार को लगे कि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही तो हम उनसे नाराज़ हैं, उनको नाराजगी जताने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो क्या कैसे देख रहे हैं आप कहाँ का रहने वाले, पहले आप ये बताइए, यहाँ फिलहाल कहाँ रहते हैं? मतलब वैसे मेरा गांव हूँ तो मैं गांव का, पर मैं रहता हूँ मुजफ्फरनगर, वसुंधरा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आप मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर। तो सरकार की आप क्या बताना चाहते हैं सरकार को, क्या आप ऐसी स्थिति में आए हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? सरकार मैसेज तो हम बता ही रहे, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने भाइयों से सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करें कि इन्हें खत्म कर दो, हटा दो इन्हें यहाँ से, इन्हें हटा दो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इन्हें हटा दो, बिल्कुल हटा दो, नहीं तो तुम्हारी पैड मेट देंगे, बिल्कुल कंगाल कर देंगे, कंगाल। सब डंगा बेच लिया, कुछ नहीं छोड़ा, जिस लाल किले पर नू कहें ये किसकी भारतीय जनता पार्टी ने करवा, वो सब इन्होंने बेच लिया, और इनका आदमी वहाँ चढ़ रहा था, आरोप हम पर लग रहे थे। ये बहुत बदमाश सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है। इस बच्चा जो कर रहे हैं हर आदमी जानता है इस बात को, तुम्हारे साथ क्या हो रहा, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, गैस देख लो, राशन देख लो, कुछ देख लो, कुछ सब कुछ बेकार। कह रहे हैं देश की तरक्की के लिए थोड़ा महंगाई सह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देश की तरक्की महंगाई देख रहे हैं। हाँ, देश की तरक्की लिए, अगर देश की तरक्की लिए महंगाई हो तो इनके गन्ने की, इनके नाज की, गुड़ की तो महंगाई करो थोड़ी, जब भी देश की तरक्की होगी। इन्हें तो धसाते जा रहे और अपना बढ़ाते जा रहे, लूट लो। चलिए, आप यहाँ पर आए हैं, ऐसे कई सारे पंचायत हुए हैं लेकिन ये महापंचायत है, तो एक बात बताइए कि इस बार का पंचायत के बाद क्या लग रहा है कि सरकार तक जो आपकी आवाज़ वो पहुँचेगी इस बार? सरकार पहुँचेंगे, वे भी घबराए बैठे, पहुँचना किस बात का, घबराए बैठे वहाँ मुजफ्फरनगर क्या हो रहा, मतलब बैठे। और एक बात बताऊँ, जिस दिन इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी और ये ऐलान हो जाएगा आचार संहिता लग गई,
आधे विधायक आधे मंत्री बीजेपी के भाग जाएंगे, बेइज्जती तो भाग लो, इस्तीफा दे दो, गांव गांव नहीं जाने के, गांव में नहीं जाएंगे, नहीं नहीं जाएंगे इस बार। तो इस बार का फिर माहौल कैसे, फिर चुनाव का आप लोग जाने, फिर माहौल नहीं बना पाएंगे ऐसे तो कैसे उन्हें जान देंगे हम अपना माहौल क्या है, उन्हें जान देंगे तब क्या लेना होगा यहाँ, तो तुम्हें तो वोट दी थी हमने, जो हमारे चौधरी साहब जो पंचायत कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं वोट दी थी, उन्होंने बीजेपी को वोट दी थी, वो खुद के हैं, हमने बीजेपी को वोट दी थी और जुलम करा। तो मुजफ्फरनगर नहीं जो है बीजेपी को मतलब लेकर के आए थे सत्ता के अंदर में बताया जाता है, तो फिर क्या इस बार का क्या माहौल होगा, फिर इस बार का माहौल तो बस यू होगा कि इसका माहौल तो यू है रहन नहीं देने के, अंतिम कर देंगे हम, हाँ रहन नहीं देने के, रहन नहीं देने के, मतलब लगता है कि इस बार महापंचायत से कुछ बड़ा ऐलान होगा, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ढूंढ लो कहाँ धर रखा, जो बोले थे ना कि मोदी जी हम तो फकीर हैं थैला उठाएंगे चल देंगे, तो अभी ये हमारी महापंचायत उन्हें समय दे रही, वो थैला कहाँ धर रखा, उसको टाइम से ढूंढ के धर लो, जाना तो पड़ेगा। और ये बीजेपी को यहीं से जन्म इसका स्टार्ट हुआ था, और ये मुजफ्फरनगर की ही धरती इनको विदाई देगी, समय आने पर विदाई देगी, इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि विदाई कैसे देनी है उनको, हम ही लाए थे, हम ही इनको विदा करेंगे, ये हम नहीं, ये पूरी जनता इन्हें विदाई देगी, जिस तरीके से स्वागत से लाए थे उसी हिसाब से इनको विदाई देंगे, अपना थैला थाला जहाँ रखा उसको टोलो, कभी जल्दीबाजी में थैला भी यहीं छूट जाए। आप कह रहे हैं कि बोला की तैयारी कर लीजिए, वो 350+ सोच कर बैठे इस बार चुनाव में, अरे मैं तो कहने को तो मैं भी कह दूंगा मैं 4.5 चलाऊंगा, मगर जब पब्लिक मुझे वोट नहीं देगी तो कहाँ से आ जाएंगी, से पहले एक नारा लगा, ये तो एक सबकी भविष्यवाणी है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, मगर ये तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में सारे लोटे थे ये, और अमित शाह ने घर घर पेपर दिए कि इस पर मोहर मारिए, इस पर मोहर मारिए, अमित शाह ने खुद कराई काम, और क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा यहाँ होगा, थोड़ा सा एक लेडीज का बुनिया, एक लेडीज ने इन्हें आगे चलते रास्ते दिखा दिए, तो ये तो हिंदुस्तान है, अब देखिए उसके जलवे ये किस रास्ते से निकालेंगे, कह रहे कि राम राज्य है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, राम राज्य, राम तो सभी की राम है, भगवान सबके होते हैं, कोई बीजेपी वालों को अलग से भगवान नहीं बन गया कि भाई इनके वाले राम ये हैं, इनके वाले राम ये हैं, राम तो सभी के हैं। चलिए इस महापंचायत से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को, उम्मीदें तो हमें बहुत हैं, बस इनके इनके जाने का समारोह कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, कैसे भेजने हैं इनको, क्या कुछ कह रहे थे, 1947 से पहले नारा लगा था, सरफरोशी की तमन्ना हम अरे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, अब हमें नारा ले लगाना है, सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, हमें इस सरकार को भगाना है और इस सरकार को हमें यहाँ इस देश में रखना ही नहीं है, इस सरकार को हमें EVM मशीन हटानी है, और इसने हमें नाक में दम कर दिया है, कभी पेट्रोल महंगा, कभी सिलेंडर महंगा, कभी कानून उल्टे सीधे बना रही है सरकार, इस सरकार तंग आ गया, सपोर्टर है वो ये कहते हैं कि जब हमने महंगा शेर पाल लिया थोड़ा सा खर्चा तो लगेगा ही महंगा, वो तो अंधभक्त है, वे तो अंधभक्त है, जैसे भी अगर जो गोबर भी लाके उनके सामने रखेंगे वो कहेंगे अच्छा है खाने को मिल रहा है, एंड वो सरकार दे रही है तो खाएंगे। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे सर, हम ये कह रहे थे कि जैसे सरकार कह रही है कि सब हमने महंगा कर दिया, तो महंगाई के हिसाब से हर घर के लोगों को कम से कम ऐसे जॉब से जोड़ दे कि हमारी उस महंगाई का हम लोग पूरा कर सकें, हम लोग बेरोजगार हैं, कुछ नहीं दे दिए भैया, जो कार्य देने वो तो छीन लेती है, वो 200 रुपया देती है, कहते हैं कि 200 रुपया हम देंगे वो भी ले लेती है, तमाम तमाम फार्म निकलते हैं, आज निकलते हैं परसों कैंसिल हो जाते हैं, कहाँ भैया हो रहा, कहाँ जॉब मिल रहा भैया, कहाँ हर जगह, हम गोंडा जिले से आए भैया, बबनान गोंडा जिले से आए भैया, भैया आज अभी सुबह आया हूँ, बताइए, वो तो गोरखपुर से काफी मतलब, हाँ गोरखपुर के पहले ही है गोंडा जिला, तो कैसा विकास है उधर का जरा बताइए, विकास नहीं विनाश भैया, हमारे यहाँ का रोड देख लेंगे तो आप घबरा जाएंगे, कहेंगे हम पत्रकार हैं जाएंगे ही नहीं भैया, इतना इतना गड्ढा भैया, बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बुरा हाल है, मैं चाहता हूँ अगर हम ये चाहते हैं भैया, अगर सरकार में दम है तो हम जैसे नौजवानों को कम से कम रोजी रोटी से जोड़ दे, अगर वो कहती है महंगाई दुगना कर दिया तो महंगाई के हिसाब से सबको रोजी रोटी दे दे, जिससे सबका भाई खर्चा चले, माँ बाप का खर्चा चले, खेत खलिहान चले, ठीक है। हाँ अब मैं आपके पास आता हूँ, क्या नाम है आपका, किशन चौधरी, आइए
कैसी लगी सरकार बताइए जरा। सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही, बेकार है बिल्कुल। बिल्कुल महापंचायत में आए हैं, क्या उम्मीदें हैं? महापंचायत से बहुत उम्मीद है, हर गांव में उत्साह है, पब्लिक बहुत आएगी, बेसुमार पब्लिक आएगी कल को। तब भी कितना उम्मीद है आने की यहाँ पब्लिक? कम से कम 10 लाख की तादाद में। बारिश का थोड़ा देखने को मिल रहा है, क्या है क्या किसान भाई जो है मतलब? हाँ नहीं, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ने का, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ने का, सब उत्साहित है। और मौसम ठंडा हो रहा, और मौसम ठंडा हो रहा, इससे और हमें फायदा ही मिल रहा है। ना ये ऊपर वाला आसमान, ये भगवान भी दिखाई दे रहा, खुश हो रहा कि हाँ चलो मैं अब जल बरसा रहा हूँ, खुश है वो भी अब आके इन किसानों से खुश हो। आप कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। अरे महाराज इलाहाबाद से आए हैं, अरे बताइए, बातचीत करते हैं कुछ आपसे। इलाहाबाद से आए, कैसा विकास हुआ है वहाँ पे? विकास हुआ है, जहाँ सगल रो रहे उसी तरह सगल रो रहे हैं लोग। रो रहे हैं बिल्कुल। कितने लोग आए इलाहाबाद से यहाँ पे? हम लोग आए हैं 150 आदमी। 150 आदमी आए, कब आए हैं? सुबह आए। अच्छा सुबह आए आप लोग, तो और कितने लोग आने की आशंका है वहाँ से? अभी आ जाएंगे वहाँ से कम 300-350 आदमी और आ जाएंगे। आप जानते हैं? आज शाम भर में आ जाएंगे। शाम भर में और इतने आ जाएंगे जी। चलिए ठीक है। ऋषभ कैसे देख रहे हैं आंदोलन मौजूद है अभी आप? आंदोलन इस देश को बचाने की उम्मीद है, ये आंदोलन आखिरी आंदोलन साबित होगा। अगर ये आंदोलन कुचल दिया जाता है किसी तरीके से तो इस देश में कोई आंदोलन नहीं होने का, क्योंकि इन्होंने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्योंकि LIC, BSNL, HTML जो बड़े बड़े PSUs थे, रेलवे थी जो मतलब हमें सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, वो भी प्राइवेट सेक्टर को अडानी के नाम कर दिए हैं। और अब जो फार्मिंग जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, हर कोई अनाज के ऊपर, वो इन कंपनियों के नाम करना चाहते हैं, तिजोरियों में रोटी बंद करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको सामान बेचना है तो आप OLX पे जाइए, देश बेचना है तो आप BJP में जाइए, और अगर आपको ईमान बेचना है तो आप RSS में जाइए। इन RSS वालों ने तो ये दंगा जिस दंगे के, क्योंकि इसने कोशिशें करी है ना इतनी इस सरकार ने, करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ, यहाँ टिकैत साहब के ऊपर आपने देखा होगा 28 जनवरी को कैसे फोर्स पूरी इकट्ठी कर दी गई थी, तो ये पूरी सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन ये दबने वाला आंदोलन नहीं है, पूरे देश के एकजुट आंदोलन है। इसमें सिर्फ किसान शामिल नहीं है, इसमें विद्यार्थी, मजदूर, हर वर्ग शामिल है, हर धर्म, हर जाति, सब बेड़ियां तोड़ करके अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए आए हैं। आप जर्मनी का इतिहास पढ़ लीजिएगा, हिटलर का इतिहास, सेम टू सेम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराने लग रहा है। वो भी ऐसे ही कट्टरता पे आया था, वो भी ऐसे ही राष्ट्रवाद के कट्टरता के नारों पे आया था, लेकिन उसका क्या हुआ था उसका हसन देख लेना, वही आज इसके साथ होने वाला है। चलिए महापंचायत तो कल है, तो आज क्या जायजा लेने आए हैं या फिर आप कुछ हौसला देने आए हैं? हौसला देने आए, जायजा लेने का क्या, जायजों के हंसी कोई वो बैठ रहा, हौसला देने आए, मगर मंडे रहियो भाई, बे सुमार काम जोड़ दो पूरा साढ़े का। चलो जी नमस्कार, देख सकते हैं इस वक्त जो है हम लोग मुजफ्फरनगर इस ग्राउंड में मौजूद है जहाँ पर महापंचायत होना है, और इस महापंचायत में जो है लोगों की उम्मीदें जो हैं, किसानों की उम्मीदें जो है लगातार जो है बरकरार है। देख सकते हैं मैंने अभी कुछ देर पहले ही जो हमारे कैमरे मैंने एक विजुअल दिखाया जो है वो बड़ा ही अपने आप में एक हृदय विरार है कि लोग बाग अच्छे खासे जो लोग हैं वो घरों से निकल नहीं रहे हैं इस समय, क्योंकि बारिश का समय है। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा शख्स जो है हमारे बीच में जो मौजूद रहे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कि जब मैं इस आंदोलन में आ सकता हूँ तो हमारे जैसे नौजवान जो है वो क्यों नहीं आ सकते। फिलहाल अभी की जो हालात हैं देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है ग्राउंड में, और अब धीरे धीरे जो है किसानों का है जो है आवागमन यहाँ पर शुरू हो गया है, और पल पल की खबर जो है हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आने वाला समय जो है बड़ा दिलचस्प है, क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा डेसो न्यूज़। धन्यवाद।